विद्यालय के इस गार्डन में जो हम लोगों ने एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया हुआ है, अब वो करीब करीब हमारा काम 80% हो चुका है, जिसमें गुड्डा भैया ने और रवि भैया ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने अपने श्रम से, अपने लेबर से, इतनी परिश्रम से, इतने कम समय में इसको तैयार कराया है कि केंद्रीय विद्यालय COD आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इसमें पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में हमारे विद्यालय की वरिष्ठ PGT मैडम मरावी मैडम, अनीता मरावी मैडम ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर ये इनिशिएट नहीं लेती तो शायद ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं होता। जितने भी मैसेज हम लोगों को जल्दी यहाँ से वहाँ और सामान की ज़रूरत होती थी तो उसमें हमारे प्रभुदयाल जी का और भूषण जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता था। एक बार उनके लिए भी जोरदार बच्चों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि अब हर स्कूलों में ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्यों बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पानी की कमी होने वाली है। हम करते क्या है बच्चों कि पानी को हमेशा यूज तो करते हैं, नीचे से निकाल के, बोरिंग से निकाल के, कुएं से निकाल के, लेकिन उस बोरिंग में, उस स्रोत में पानी को रिचार्ज नहीं करते हैं। तो बारिश का जो पानी होता है हमारा, वो बह के पहले जाता है नाली में, फिर नाले में, फिर नदी में, फिर समुद्र में चला जाता है। यानी कि अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आगे आने वाली सदियों में होने वाली है किसकी? पानी की। तो अब हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया है मरावी मैडम की हेल्प से कि उन्होंने जब सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर दिया तो उन्होंने मुझसे कहा भी एक दो बार कि सर इसका डिज़ाइन बनवाइए, किसी सिविल इंजीनियर से मिलिए। तो हम लोगों ने अच्छे सिविल इंजीनियर से मिल करके हम और मैडम उनके पास गए और ये डिज़ाइन हमने रवि भैया को दिया। तो उन्होंने इसको 8 फीट लंबा, क्यों भैया 8 फीट लंबा है ना ये? अच्छा गुड्डे भैया, आपने कितने दिन में ये 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा, इतना ही है ना मेजरमेंट इसका? कितने दिन में आपने खोद दिया था इसको? आप थे और कौन था इनके साथ में, कितने दिन लगे? 4-5 दिन में इसको बच्चों इन्होंने ये पूरी डिगिंग किया है। और साथ ही साथ ये भी हुआ कि बारिश, हम लोगों ने इसको सितंबर में चालू किया लेकिन बीच में इतनी बारिश हुई कि ये पूरा हमेशा भरा रहा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। के बाद हम लोगों ने वापस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जब हमने इसके जो खुदाई स्टार्ट की तो बीच में बहुत हैवी रेन हुआ था, जबरदस्त। अरे इतने दिनों तक लगातार बारिश की, सूर्य नारायण के दर्शन ही नहीं हुए, घरों में कपड़े नहीं सूख रहे थे, आपको भी याद होगा। आप एक बार गीली गीली यूनिफॉर्म पहन के आए, खैर आप लोगों ने सुखा के प्रेस करके आए हो, बहुत अच्छे बच्चे हैं KVCOD के। तो जब इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार किया तो 8x6x6, जिन बच्चों ने क्यूबॉइड देखा होगा उसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट। तो जिस जगह हम खड़े हुए हैं अगर इसको फुल ऑफ वाटर कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अरे वाह, मैथमेटिक्स भी हो गया इसमें तो, सो नाइस ऑफ यू। अब हमको इसमें करना क्या है? करना ये है कि जो इस गार्डन के चारों तरफ का पानी बारिश में कलेक्ट होगा तो उसको हम किस वाले इनलेट से अंदर करेंगे? बिल्डिंग का ऊपर का भी जो पानी है जी मैडम, जो पूरा निकल के अपना स्टेज के नीचे से जाता है वो सीधे यहीं आएगा। हाँ, इसके लिए ये चैम्बर बनाए हैं, एक इनलेट है और एक आउटलेट। ये शायद ये दिखाओ इधर, ये वाला इनलेट है, इनलेट है, ये इनलेट है। जब ये फुल ऑफ वाटर हो जाएगा, एक बात बताइए, आप में से किसी बच्चे ने आज तक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनते हुए देखा है? यस सर। कोई किसी ने देखा है? नो सर। अब हमारे और आपके बीच में देखिए, भूषण भैया आगे आइए। अरे हमारी फोटो लो और हम जाओ। ये हमारे, ये बेटा हमारी लो फोटो, ये हमारे लिए सबसे बड़े मोटिवेशनल स्रोत हैं। तसला कहां है? तसला। और फाइनेंशियल जो एडवाइजर है हमारे वो रामसेवक जी भी आ गए हैं, और टेक्निकल जो होल्ड किया है हमारे प्रजापति जी ने किया हुआ है। एक बार इन सभी के लिए देखा। तो सबसे पहले इसका मेन ऑब्जेक्ट आपकी समझ में आ गया कि वाटर जो बारिश का होगा, पानी होगा, वो हमारा पृथ्वी के अंदर जाना चाहिए। उस ग्राउंड वाटर है वो चार्ज करेगा रिसोर्स अंदर जाकर के सारे स्रोत को, जिसे हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं जीरो में जाएगा। यस सर। ताली, एक बार नाइक सर के लिए ताली।
प्लानिंग बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन जब ये टीम पूरी एक साथ इकट्ठी हुई और मरावी मैडम ने सबको कलेक्ट किया एक जगह पर, प्लान बनाया, डिजाइन बनवाया, सब कुछ किया, तो आज हम लोग इस हालत में हैं कि सारे बच्चों को ये इन्फॉर्म कर सकें कि आफ्टर ऑल वाटर हार्वेस्टिंग है क्या, वाटर हार्वेस्टिंग क्यों की जानी चाहिए। तो मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पेरेंट्स से जरूर बोलिएगा कि अपने अपने घरों में जो बारिश में छतों में पानी आता है उसे भी कहीं इसी तरह से आप हार्वेस्ट करें, बचाएं, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर आगे जीवन में बड़ी समस्या होगी। दिल्ली का प्रदूषण आपने अभी देखा, हवा वो बिल्कुल सांस लेने लायक नहीं रही है, पानी भी जो आगे आपको मिलेगा पॉल्यूटेड मिलेगा, लेकिन अगर हर घर में इस तरह से वाटर रिचार्ज होता रहेगा तो हमको पीने के लिए शुद्ध पानी जरूर मिलेगा। तो हमारे विद्यालय का जो प्रयास है कि कम से कम हम ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट विद्यालय में लगा दें ताकि हमारे विद्यालय में जितनी भी बोरिंग्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, आसपास सीओडी में भी कई ट्यूबवेल हैं, उन सभी में ये स्रोतों में पानी जाएगा और सब बोरिंग गर्मियों के मौसम में भी फुल रहेंगे। नहीं तो आपने सुना होगा कि कई इलाकों की तो बोरिंग सूख गई, कुएं सूख गए, वाटर लेवल नीचे चला गया। तो अब लोगों में ऐसे जागरण होगा, ऐसे जागृति आएगी जब आप जैसे बच्चे जो केवीसीओडी के अच्छे बच्चे हैं सब अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे कि नहीं हमें अपने घर में भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है। मैं मरावी मैडम को बहुत ढेर सारा थैंक यू देता हूँ कि इन्होंने इनिशिएट किया। ऐसे टीचर बेटा बड़े मुश्किल से ढूंढने से मिलते हैं कि देखो इतने काम होते हुए क्लास सिस्टम, प्रैक्टिकल, दुनिया, लैब, सब कुछ करने के बाद भी अब मैं भूषण भैया से कहूंगा कि वो जरा इसका एक डिटेल यहाँ सामने आकर के बताएं। भूषण भैया एक सवाल आपसे सामने आइए, कैसे खुदवाए? आपने खुदवाया तो ये हमारे रवि जी और गुड्डा जी ने बताया। अब जो इसके फिलिंग का सिस्टम है, बच्चों ध्यान से सुनना क्योंकि आप पेरेंट्स से डिस्कस करोगे, बताइए भैया पहली लेयर किस चीज की डालेंगे आप? इसकी पहली लेयर सर इसमें थोड़ी बड़े पत्थर डालेंगे, बड़े पत्थर, समझ गए? यस सर। जब पत्थर एक साथ फर्स्ट लेयर 2 फीट 1 फीट 2 फीट की डालेंगे तो पत्थरों के बीच में जगह रहेगी ना? यस सर। जगह रहेगी ना, उसके बीच से पानी जमीन के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। अच्छा फिर उसके ऊपर? उसके ऊपर गिट्टी है, उससे छोटे पत्थर, छोटे पत्थर, मतलब जो गिट्टी जो लेंटर वगैरह में यूज होती है, रोड में यूज होती है, यस सर, उससे क्या होगा कि वाटर जो ऊपर से नीचे मिट्टी बहा के लाता है ना वो मिट्टी को रोक लेंगे, वहीं नीचे केवल पानी जाएगा, उसके ऊपर रेत रहेगी जो बिल्कुल रेत या बजरी, बजरी जानते हो? बजरी छानते हैं और उसमें जो बजरी निकलती है। अच्छा वो बजरी का कोई शेप नहीं होता है, वो समझ में आया कि नहीं? पानी उसमें चिपकता भी नहीं है, बहुत आराम से बूंद बूंद लुढ़क के धीरे 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 गिट्टियों के गैप को भर लेगा, है ना, जो और उसके ऊपर से जो रेत रहेगी तो पानी को बिल्कुल छान के कंचन पानी जमीन के अंदर, जैसा अपन पीते हैं वाटर, है ना, वैसा अपनी धरती को भी पिलाएंगे साफ, तो हमें साफ पानी मिलेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। भूषण भैया को थैंक यू एक बार, भूषण भैया की ताली। तो केंद्रीय विद्यालय सीओडी का ये पहला वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अब अपने करीब 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 संपूर्णता की ओर जा रहा है, खाली इसमें फिलिंग बची हुई है। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, जैसे पूरा पानी तो जमीन पी नहीं लेगी, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो एक्स्ट्रा वाटर या अतिरिक्त पानी इस आउटलेट से, अंडरस्टैंड, यस, ये बाहर नाली में जाएगा और फिर ये दूसरे गार्डन की तरफ जाएगा जहाँ पर दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम लोग लगाएंगे। आज समझ गए कि नहीं? यस सर। तो अब आपको समझ में आया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? यस सर। हाउ वी सेव द वाटर? यस सर। एक मेथड है वाटर बचाने का, क्या? एनीबॉडी कैन टेल मी? हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। एक बार आप सब लोग अपने लिए भी एक बार ताली बजाएं।